आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। डिस्टोपिया टूरिज्म में आप सबका स्वागत है। ये एक्स मुस्लिम एक ऐसा टर्म है जो अपनी अपनी तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी इनके यूनिक होते हैं। मसलन कि हम तो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज एन इंडियन एक्स मुस्लिम। वी आइडेंटिफाई आर सेल्व्स एज एन इंडियन एक्स मुस्लिम, बट देर आर पीपल हु कैन टेक वेरियस पाथ्स व्हेन दे बिकम एन एक्स मुस्लिम। लोग अपने अपने अलग अलग पाथ्स चुनते हैं, अपनी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी लेते हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक्स मुस्लिम इज लाइक अ प्लेटफॉर्म, राइट? बीइंग एन एक्स मुस्लिम इज लाइक स्टैंडिंग ऑन एट अ प्लेटफॉर्म, एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन दे वांट टू, आई मीन व्हिच ट्रेन दे रियली लाइक। उसी ट्रेन को बोर्ड करेंगे, व्हिच ट्रेन दे वांट टू बोर्ड, इट डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेस्ट एंड देयर इंक्लिनेशन। बट कुछ ऐसे भी एक्स मुस्लिम रहते हैं जिनकी बड़ी यूनिक कहानी होती है। इट्स वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट है। तो आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक विकी एग्नोस्टिक, जो एक एक्स मुस्लिम है, अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं। उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उनके ही मुंह से सुनिए उनकी क्या कहानी है। वेलकम सर, आदाब, नमस्ते। आदाब। सर, आपकी कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी है। मतलब अभी तक जितने मैंने एक्स मुस्लिम मैंने सुना है, जितने भी एक्स मुस्लिम की कहानियां मैंने सुना है, यहाँ पे कई एक्स मुस्लिम्स हैं, जैसा कि पाकिस्तान के मुल्हिद होते हैं, इंडिया के भी कई एक्स मुस्लिम्स हैं, मैंने उनकी कहानी सुना है। पर आपकी बड़ी एक यूनिक कहानी है सर। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एक्स मुस्लिम, इसलिए मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम खराब करना चाहता ही नहीं था। इसका मेन रीजन ये है कि मैं जिनके बीच में रहा हूँ वो लोग सऊदी अरब के, जो कि अपने आप को एक ओरिजिनल इस्लाम रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग अपने आप को ही मतलब सच्चा मानते हैं कि बस मैं ही हूँ, बाकी सब मेरे फॉलोअर हैं। जितने लोग भी भाई दुनिया में हैं वो सब लोग मुझसे ही सीखे हैं इस्लाम के बारे में। वो इनके उनके माइंड में एकदम ये बिल्ड हुआ है, बिल्कुल कम्प्लीटली बिल्ड है। आप कितना भी आप आलिम हो जाएं, आप कितना भी दारुल उलूम से डिग्री ले लें, कुछ भी पढ़ लें, PhD कर लें इस्लाम में, आप लेकिन वो आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे कभी भी। वो अपने को ही सबसे सुपीरियर मानते हैं अभी भी, तो मानते रहे हैं, मानेंगे, कोई उनसे काउंटर नहीं कर सकता इसमें। तो मैं उनके बीच में रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मतलब जो उनके कल्चर हैं उनको भी जानता हूँ, उनके कल्चर में ढला था मैं काफ़ी लंबे समय तक। तो कितने साल रहे इसलिए सर आप उनके कल्चर में? कितने साल आपके गुजरे हैं मैं सऊदी अरब में? 11 साल रहा हूँ। जी, एग्नोस्टिक जी, देखिए 11 साल तो हम जो जानते हैं कि सचवाला जी ने तो 32 साल गुजारे हैं सऊदी अरब में। तो बात तो जी ये है कि सऊदी अरब में गुजारना नहीं है, आपकी स्टोरी थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि आप कहाँ से आते हैं? व्हाट वॉज योर ओरिजिनल रिलीजन? मैं तो बाई बर्थ में हिंदू हूँ। अच्छा, बाई बर्थ आप हिंदू है। हाँ तो पहले ये हाँ दर्शकों को मतलब ये, हाँ, हाँ तो थोड़ा सा सर तड़का डालते हैं सर ये इंटरव्यू में, कि आप जो है हिंदू से मुसलमान क्यों बने, कैसे बने, किस लिए बने? देखिए, अब जो इसमें तो मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं कहूँगा कि बस ये है कि अब जब आदमी को किसी से प्रेम हो जाता है किसी से मतलब, तो बस उसको पाने की, उस समय तो उसको पाने की ललक होती है, तो दिखता नहीं है कि क्या हम करने जा रहे हैं। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है उस टाइम पे, सबका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी ऐसा कर कर सकते हैं, कि कुछ लोगों का ऐसा माइंड होता है कि अब कुछ चीज़ इतनी अच्छी लग गई कि अब उसके आगे पीछे मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे बस उसको हासिल करना है। तो जब आपके मन में ये चीज़ रहती है तो फिर आप, और पहले से ही देखिए हम लोगों का ये है कि इतना हम लोगों ने कभी रिलीजन को तवज्जो नहीं दिया है इंडिया में, कि हम लोगों की पहले से ब्रीडिंग ऐसी रही है कि कोई इतना कोई बहुत खास बात नहीं, बस इंसान है, अच्छी लाइफ जिए, अच्छा फैमिली हो जाए, थोड़ा सा इस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है हम लोग का, बजाय कि कोई कायनात का बनाने वाला है उसको मुझे प्रेयर करना है कि नहीं करना। तो ये हम लोगों के मतलब आप ये कहिए कि ब्लड में ही हम लोगों के शामिल है ये चीज़, तो इसलिए उस पे ज़्यादा हम लोगों का जाता नहीं है। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि बहुत इजीली शादी भी कर लेते हैं हिंदू लोग मुस्लिम लोगों से, बहुत इजीली कर लेते हैं इसीलिए, और जो उनके टर्म्स एंड तो कंडीशन होते हैं वो मान भी लेते वीर हैं। जारा सर, तो वीर एग्नोस्टिक जी, तो फिर ये वीर जारा के आप शाहरुख खान ही रहे निकले वो तो आप खैर तो मूवी है, मैं तो रियल हूँ। रियल है वो तो, शाहरुख खान तो मूवी, उसमें वीर था और जारा प्रिटी जिंटा थी। तो ऐसी ही कोई प्रिटी जिंटा आपको मिल गई थी, वो भी सऊदी में मिली यार, वो बड़ा अजीब है, वो हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है आपकी स्टोरी का, कि आपको, चलिए प्रिटी जिंटा आपको शायद कश्मीर के में मिलती है या कहीं और शिमला में मिलती है, आपको तो सीधे सऊदी अरब में मिली है प्रिटी जिंटा आपकी, जो जारा थी बाय द वे।
उसका ये था कि उसने अपने लाइफ में, जैसे वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ महरम होता है सऊदी अरब में, बिना महरम के आप बाहर नहीं जा सकते, जो आपका महरम नहीं है उससे आप बात नहीं कर सकते, जैसे जो कजिन ब्रदर होते हैं वो भी वहां पे महरम की लिस्ट में नहीं आते, जो जो कजिन ब्रदर होते हैं जैसे मतलब चाचा के लड़के ये सब जो, वो वहां पे महरम की लिस्ट में नहीं शामिल होते हैं। महरम की लिस्ट में सिर्फ हस्बैंड होता है या फिर रियल ब्रदर होता है या फिर डैडी होता है, बेटा भी शायद मैं समझता हूँ, बेटा भतीजा, बेटा तो खैर वो तो आगे की सीरीज हो गई, तो मतलब ऑफ कोर्स बेटा भी होता है लेकिन वो मतलब वो आगे की, मैं अभी जो अगर बिफोर मतलब जस्ट द टाइम ऑफ मैरिज की बात कर रहा हूँ। तो सो दैट्स हाउ आई मीन इट स्टार्टेड। सो आपका दिल आ गया किसी एक मतलब जो भी है अब जो भी भाभी जी तो जो भी है मतलब सऊदी में एक मुस्लिम घराने की लड़की थी, तो उससे आपका जो है आपका दिल आ गया, तो इज इन दैट अ काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग लव जिहाद जो आपके ऊपर हुआ? देखिए लव जिहाद तो एक मतलब इंडिया का टर्म है, उसको तो कई तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको तो पॉलिटिकल टूल की तरह भी यूज करते हैं। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म, व्हाट आई मीन टू से दैट दिस इज एक्चुअली ऑन अ लाइटर नोट, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव जिहाद जो आपके ऊपर हुआ है सर, क्योंकि वहां कन्वर्जन की बात होती है ना अक्सर। हां लेकिन वो मैं ये इसमें कहूंगा कि जैसे लव जिहाद में जो मैंने यहां पे टर्म देखा है जो पढ़ा है तो उसमें प्लानिंग करके करते हैं, मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था उन लोगों का। ओके हां वो प्लानिंग से नहीं किए थे वो लोग, अगर प्लानिंग से करते तो मैं आपको जरूर ये टाइटल दे देता हिंदू लड़का जाता है सऊदी अरब जाके, मतलब आपकी तो अच्छी नौकरी थी, यू आर वेल क्वालिफाइड क्योंकि सऊदी में बिल्कुल प्रोफेशनल, आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल डिग्री करे, आपने अपने बारे में मुझे बताया एंड इट्स लाइक यू आर अर्निंग वेरी वेल देयर, आई एम श्योर अबाउट दैट, द काइंड ऑफ आप अपने बारे में बता रहे थे मुझे कॉल पर, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सऊदी अरब में बहुत जबरदस्त कमा रहे थे, बहुत अच्छी आपकी सैलरी थी, काफी तो, बड़ी गाड़ी थी मेरे पास। हाँ हाँ वो भी है पर तो आपने जो है जो बट एनीवेज आई मीन लाइक सऊदी अरब जैसी जगह पे आपको इश्क तो जरूर हुआ है पर यार अप्रोच कैसे कर रहे हो आप यार? वहाँ पे ये है कि आपको कितना भी इश्क हो जाए लेकिन अगर लड़की अरबी है तब तो इम्पॉसिबल है, तो अब तो आपको अपना इश्क अपने अपने दिल में दफना के रखना पड़ेगा। जी जी जी। लेकिन अगर दोनों खारजी, जैसे अरबी का एक वर्ड होता है खारजी, अल खारजी का मतलब होता है बाहरी, तो वहाँ पे अगर दोनों अल खारजी हैं तो फिर अगर उसमें बीच में कोई अरब इन्वॉल्व नहीं है, खासतौर से अरब की लड़की, तो फिर अरबी इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि वो क्या कर रहा है, किससे निकाह करने जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो मेरा जिससे था इंटरेक्शन वो तो थी पाकिस्तानी, तो वो तो फिर खारजी हो गई ना वहाँ पे, जैसे मैं खारजी वो ही खारजी। अच्छा अच्छा खारजी मतलब नॉन अरब है वो तो, नॉन अरब है ना। मेन उनका ये तो जबरदस्ती ये लोग अब मुस्लिम मुस्लिम बन के उनको गले लगाते रहते हैं, वो तो उनको अल खारजी ही मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में आता है पहले अल खारजी। जी जी सर, मैंने भी बहुत साल अरब में गुजारे, जैसे कुवैत वगैरह में मैंने काफ़ी टाइम वगैरह गुजारा है, तो वहाँ पे हमने कभी भी ऐसे अरबी ड्रामे कम देखे, हिंदी फिल्में ज़्यादा देखे और इंडियन स्कूल में ही पढ़े हमने ज़्यादातर, तो इंडिया से ज़्यादा आप कनेक्ट करते हो जब आप अरब में रहते हो। और दूसरे है जो मलयाली, मलबारियों से ज़्यादा आपका होता है इंटरेक्शन, मतलब उनको तो मैं तो सिटीजन मानता हूँ, एक सेकंड सिटीजन ही है वहाँ। वहाँ पे आपको मतलब इंडिया से केरला के लोग खूब मिलेंगे, हैदराबाद के लोग खूब मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में जैसे यूपी साइड के और बिहार साइड के कुछ लोग लेबर में ज्यादा मिलेंगे आपको। जी 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 जी। आपको फिलिपिनी खूब मिलेंगे वहाँ। तो सर मुझे ये बताइए सर कि अप्रोच कैसे किया सर आपने, मतलब फिर भी पाकिस्तानी है ठीक है पर सर अप्रोच करना ही बहुत बड़ी बात है वहाँ पर, क्योंकि इतना पर्दा होता है और जिस जमाने में आप थे वहाँ पे, अभी तो खैर मोहम्मद बिन सलमान अभी आ चुके हैं तो जरा थोड़ी सी जरा सूरत हाल बदली है वहाँ की, पर फिर भी सर वहाँ पे आपने अप्रोच कैसे किया सर इतना? जैसे मेरा जो घर था जहाँ पे रहता था बिल्कुल जो हम जो मेरा गेट खुलता था उसका घर बिल्कुल सामने था मेरे, और जैसे रोड के इस तरफ मेरा घर और रोड के उस तरफ उसका घर, तो उन लोगों ने कभी अपने लाइफ में बताया आपको ना, अपने डैडी
और अपने रियल ब्रदर के अलावा उन्होंने कभी किसी लड़के से बात ही नहीं किया, बाप रे। उनको पता ही नहीं कि और लड़के होते कैसे हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम किसी लड़के ने जो उन पे अप्रोच किया वो मैं था। अच्छा, वाओ, दैट्स समथिंग। उसके लिए तो काफी मतलब यूनिक बिल्कुल हो गया ना, उसके लिए तो काफी यूनिक हो गया। और उससे पहले भी जब जब रमजान जब होता था ना, तो वो लोग मुझे जो है इफ्तार के टाइम पे, मैं जब वहाँ बाहर कभी क्योंकि शाम को होती है ना इफ्तार, वो कई 6:30 बजे के आसपास होती है, तो मेरी ऑफिस टाइमिंग मेरी 5 बजे खत्म हो जाती थी। तो कभी कभी मैं फुटबॉल खेलने चला जाता था, तो और कभी कभी क्योंकि वहाँ पे अरबी लोग खूब फुटबॉल खेलते हैं, हाँ, तो वो लोग बाजू में वहाँ खेलते थे, तो फिर मैं वहाँ जाता था, तो उनके साथ मैं ऐसे पहले पहले देखता था मैं, तो फिर आके लगे मुझसे पूछने की क्या तुम भी मतलब, वो ऐसे बोलते हैं कि पहले वो अरबी बोले तो मैं अरबी में समझ नहीं पाया, तो मैंने बोल दिया इंग्लिश में कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, तो उसने कहा कि यू कैन प्ले, मैंने कहा कुछ टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लेते हैं वो लोग, मतलब ऐसा कुछ लड़के वहाँ पे टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लेते हैं। तो वो लोग कभी कभी मैं वहाँ खेलता था, और कभी कभी जब वो लोग नहीं आते थे तो मैं अपने घर के मतलब बालकनी में यहाँ टहलता रहता था, तो उन लोगों को पता था कि ये लड़का जो है मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। हाँ, उनको पता था क्योंकि मेरा जो ड्राइवर था ना, मेरा ड्राइवर था, वो मेरा ड्राइवर पाकिस्तानी था। ओके, मेरा ड्राइवर पाकिस्तानी था, तो वो उन लोगों से इंटरेक्शन था उसका उनके घर से, मेरे 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 कार के ड्राइवर का उन लोगों से इंटरेक्शन था, वो बातचीत देख नहीं होता कि आपने गेट खोला उन्होंने गेट खोला तो मिल गए गेट पे, घर में आना जाना नहीं था उसका भी। जी, जैसे जैसे नहीं होता कि आपका घर है और आपके सामने वाले का घर, आपके पड़ोसी घर है, आप गेट से बाहर निकले उसी टाइम वो गेट से बाहर निकल गए तो सलाम दुआ हो गया, इस टाइप का था। जी, तो वो मतलब ये कि भाई तुम भी पाकिस्तान से हो, चाहे हम भी पाकिस्तान से। तो लाहौर में एक सिटी, लाहौर से 40 किलोमीटर दूर एक छोटी सी सिटी है रायविंद, काफी कम लोग सुने होंगे उसका नाम, वो लोग वहाँ के थे। तो वो एक 100 किलोमीटर, तो वहाँ के पाकिस्तान से ताल्लुक लाहौर से एक थोड़ी दूर पहले जो एक सिटी थी, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर करीब, 40-30 जो भी हो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन वो पास में ही है लाहौर से, करीब आधे घंटे या एक घंटे लगते हैं भाई बस या भाई ट्रेवल करने, तो वो लोग जो मुझे बताए थे तो रायविंद के थे वो लोग। क्या सिटी का नाम क्या? रायविंद, रायविंद, RAIWIND। अच्छा, रायविंद, ओके, तो वहाँ से उनका ताल्लुक था, और वो पाकिस्तान मतलब जमाने पहले उनके साथ वो शायद शिफ्ट हो गए होंगे पाकिस्तान से सऊदी अरब, काफी पहले से, हाँ काफी लंबे टाइम से वो लोग सऊदी अरब में, लगभग 25-30 सालों से मतलब वो लोग सऊदी अरब में। ओके, और उनके पास मतलब फ्री वीजा, जैसे अकाम एक होता है फ्री आजाद वीजा बोलते हैं उसको, हाँ आजाद वीजा, अकामे लगाने की जरूरत नहीं है शायद, नहीं उनका एक वर्ड होता है कफील करके होता है, जैसे जो सऊदी में कफील होता है उनका, वो आजाद वीजा पे कफील था उनका, तो वो कफील मतलब आकर के उनसे पैसे लेता था। ओके, हाँ, वो कफील स्पॉन्सर होता है इसको, कफील का जो कंसेप्ट है। एग्जैक्टली, तो पहले जमाने में मैं तो वर्क परमिट, मैं तो कंपनी के भी जाते थे, मैं तो वर्क परमिट था, लेकिन वो लोग आजाद भी जाते, मेरा भी बना उसको, जो वहाँ पे बनता है उसको बोलते हैं अकामा बोलते हैं उसको अरबी में, अकामा बोलते हैं, हाँ अकामा मेरा भी बना था वहाँ पे, तो मेरा तो मतलब क्या होता है मुहंदस अरबी में बोलते हैं इंजीनियर को, तो मैं वहाँ पे मुहंदस के उसमें वर्क में था, अरबी में इंजीनियर को मुहंदस बोलते हैं। जी, तो ओके, तो वहाँ पे आपका मतलब यही मतलब ये बातचीत मतलब शुरू हो गई थी, मतलब तो ये रिश्ता मतलब ड्राइवर के थ्रू गया था क्या, मतलब ये भाभी जी ने फिर बोला? बिल्कुल, मैंने अप्रोच मैंने ड्राइवर के थ्रू किया, मैंने उनसे कहवाया, क्योंकि जब पहले मैंने अप्रोच किया तो उसको तो बिल्कुल शॉक लग गया, और उसको मेरा नाम भी बड़ा अजीब सा लगा, जैसे मतलब वो कही कि ये कैसा नाम है, मतलब वो जब मैं एक दफ़ा जब मैं बात करना शुरू किया तो मतलब उसको एक शौक लगा कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारे मुल्क में किसी का नाम है अनिल, सुनील, संजय, विजय, ये सब नाम जो होते हैं तमाम नाम ऐसे होते हैं बहुत सारे, तो
उसी बीच में अगर एक मार्टिन आ जाता, नहीं आप थोड़ा सा एक चौक जाएंगे कि ये हाँ मार्टिन बिल्कुल कौन बिल्कुल, वो जब अनिल सुनील विजय मतलब एकदम से जर्क्सिस नाम का एक आ जाता है बीच में, कोई ग्रीक नाम आ जाता है तो लोग है। तो हाँ, आश्चर्य तो होगा, तो भाभी जी को हुआ ही होगा वो तो। वो अब लगातार पूरे लाइफ में तो अरबी नाम सुने थे, तो ये बीच में ऐसा नाम उनके बीच में आ गया अच्छा कि ये कैसा नाम है अच्छा जो तो लाइफ में, मतलब मतलब हाँ वही तो बता रहा है, मतलब ये मेरे लिए काफी, वो काफी मेरे लिए हंसी का मोमेंट था, वो मतलब वो काफी दिन, काफी टाइम तक वो नाम पे मतलब वहां पे डिस्कशन होता रहा कि ये कैसा नाम है। सर मुझे तो अभी ये आश्चर्य हो रहा है सर कि आपको कब समन किया गया वहां पर, सर मतलब कि किस तरीके से आपके ये जो बातचीत हुई शादी की, मतलब मेरे ड्राइवर, मेरे ड्राइवर, कि हाँ फिर मेरे ड्राइवर ने उनसे कहा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने कहा कि भाई वो तो काफी तारीफ किया होगा जाकर के, मतलब उनसे बातचीत करने में, तो जी वो जी लोग जी फिर वो फिर मुझे आके बताया कि देखिए वो लोग तो इस पे कभी नहीं रेडी होंगे क्योंकि आप अपनी से मिलिए, तो मैंने कहा कि क्या क्या कंडीशन क्या क्या है, तो उनकी तो ये प्राइमरी कंडीशन है, उसके उसी के बाद बात करेंगे वो लोग, जो बात करना है। तो मैंने कहा कि भाई लड़की मुझे बहुत पसंद है तो बात करना अगर तो कराओ, क्योंकि तो वास्तव में बिल्कुल वो जैसे इस्लाम में लिखा हुआ है हूर की परी ही थी वो बिल्कुल। जी। सर थोड़ा तो सा आवाज, थोड़ा आवाज आपका बहुत ऐसा मतलब और मतलब मैं ये कह रहा हूँ ब्राइट। कि जैसे वो हूर की जो जो जन्नत की जो हूरे होती हैं समझ लीजिए वही थी वो, तो जैसे मैं ये कहना चाह रहा ओके 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 अच्छा हूँ। अच्छा तो अच्छा अच्छा अब उसको फिर ये होता है ना कि अब इसको हासिल करना है, हासिल करना है, तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। और मेरा भी देखिए, ये मेरा भी ये था कि मुझे भी तो वहां कोई लड़की मिल नहीं रही थी, मैं तो सच बता रहा हूँ, जो बिल्कुल सर, खुल के सच्चे बता रहा हूँ। सच्चे भारतीय की तरह आपको सर्जिकल स्ट्राइक करना ही था दिल में बस। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब मुझे भी बस केवल काम, केवल वर्क, घर में, अब घर में कितना कोई टीवी देखेगा, मुझे बताइए कितना टीवी जी देखेंगे आप, जी जी और सऊदी में कुछ है भी नहीं भाई एंटरटेनमेंट के लिए, तो कुछ भी सऊदी नहीं, में तो कुछ बिल्कुल भी नहीं जीरो है। एंटरटेनमेंट है। तो अब उस अब मान लीजिए कोई अगर वो अगर कोई खेल लाओ अपने बालकनी में, वो भी लड़की लड़की कुछ भी, तो भाई हम लोग की तो निगाहें जाएंगी, लड़के हैं हम लोग तो निगाहें तो जाएंगी, जी, घर से बाहर नहीं तो निकलते थे वो लोग। तो उनका मतलब टू फ्लोर का उनका भी हाउस था, मेरा भी ऐसे ही बड़ा ही हाउस था मेरा भी। जी अगर आप रियाद में रहे होंगे तो एक जैसे आउटर सिटी में कुतुबिया का बहुत बड़ा, मैं जो रियाद गया सर मैं पैम्पर में था, मम्मा के गोद में था मैं जब मैं रियाद गया था, अच्छा 80s के बीच में, 80s में मिड 80s में कभी गया था मैं रियाद, तो मम्मी के बच्चा था मैं, तो मम्मी डैडी का बच्चा था जब, तो मुझे तो कुछ याद भी नहीं है रियाद का, आपको ज्यादा पता है शायद रियाद के बारे में। तो फिर सर ये मतलब कि मुझे ये बात पे अलग, मुझे जहाँ तक हम जानते हैं ये पाकिस्तानियों को यार, फिर भी यार पाकिस्तानी है वो भी बड़े ऐसे नहीं होते कि बिल्कुल एक हिंदू आके उनकी लड़की को प्रपोज करे और वो चुप अहले हो हदीस थे जाएंगे। वो लोग, नहीं अहले हदीस थे वो लोग, हाँ वो पाकिस्तान के तो तो मतलब एंटरटेन तो करते ही नहीं वो तो बिल्कुल ही, मतलब उनको तो वो मतलब वो बिल्कुल मार तोड़ पे आ जाते हैं वो तो इस हाँ। मामले में, मगर तो आपको कैसे मान लिया, मतलब उन्होंने आपको एक कैसे। तो मतलब बताया ना कि जो अप्रोच करने का वे था मेरा ड्राइवर था, तो अब तो किसके थ्रू आप वो, अब उसने मेरी बताई कि भाई इंसान अच्छा है, ये है वो है सब कुछ। और फिर तो उन्होंने दो कंडीशन प्राइमरी रखी थी, तो पहला कंडीशन ये था कि आई हैव टू बिकम मुस्लिम, दूसरा मुझे वहीं स्टे करना अच्छा सर है, मुझको ये नहीं कि मुझको मतलब ये सब करके मुझको इंडिया लेके चले जाना है, ये सब, ये दो कंडीशन उनकी प्राइमरी थी। तो उसके बाद वो बात कर, पहले वो कहे थे जाकर पूछ के आओ कि इससे वो राजी है कि नहीं, तब तो आगे हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। ओके ओके तो पहला कंडीशन कि आपको मोमिन बनना होगा और दूसरा कंडीशन कि आपको वहां ठहरना होगा। वहां ठहरना होगा, अब तो दो आपने कंडीशन ऐसा पहले, तीर अगर अगर दो कंडीशन कमान पे से हाँ है निकाल दिया तो आपने, तो है? तीर तो कमान से निकल गया। अब अगर आप पहला कंडीशन नहीं मानते थे तो फिर दूसरे कंडीशन पे तो आप रह भी नहीं सकते थे, आपको तो सीधे भागना पड़ता था फिर वहां से। हाँ नहीं तो ये, अगर ये चीज तो नहीं है तो फिर खत्म, कोई मतलब ही नहीं है, फिर कोई बात ही नहीं होती फिर आगे। तो बहरहाल आपका कन्वर्जन हुआ है, मतलब अभी शादी से पहले तो कन्वर्जन ही हुआ होगा आपका, कन्वर्ट वगैरह किया है आपको, मुसलमान बनाया चारों तरफ आपको, तो चारों आप सोए हिंदू से फिर मुसलमान बन गए आप। तरफ आपका अगर आपको ठीक है, चलो मैं नाम तो पूछता हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए आपका, जो मुसलमान नाम भी आपको दिया गया वो भी खालिस अरब नाम दिया गया आपको, हाँ, खालिस बहुत अरब नाम। बहुत बहुत
लेकिन मैं एक्चुअली क्या है ना कि उसमें ऑफिशियल चेंज करना इतना मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए मुझे फिर इंडिया आकर के अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता, फिर पासपोर्ट में कराना पड़ता, फिर वहाँ पे एम्बेसी को इन्फॉर्म करना पड़ता, और फिर वो काफ़ी उसको बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत बहुत टेडियस प्रोसेस था। जब मैंने कोशिश किया था, क्योंकि वो लोग मुझे बोल रहे थे कि कर लो, जब मैंने ट्राई करने की देखा, इतना टेडियस प्रोसेस था ये, बहुत पैसा भी लगता है इसमें। नहीं, बहुत पैसा लगा, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल है वो करना, वो फिर ऑल दैट एम्बेसी में का और तो बहुत हाँ, मुश्किल एम्बेसी के अलावा फिर वो जो जो हम लोग के 10th के सर्टिफिकेट होते हैं, 10+2 के सर्टिफिकेट होते हैं, फिर जो डिग्री के सर्टिफिकेट, सब पे चेंज कराना पड़ता धीरे धीरे करके। और फिर ये बता रहे थे मुझे कि पेपर में निकलवाना पड़ता है, बहुत सी चीजें थी इंडिया हाँ, में पेपर में देना, बहुत बहुत सही बात बोला इतना टेडियस, मैंने कहा कि अरे क्या जरूरत है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो से आई कैन अंडरस्टैंड, इट बिकम्स अ ह्यूज ह्यूज प्रॉब्लम। और फिर सर अब तो तो मेरे शादी तो हो गई है अब सर आपकी, अकामा आप पे लिखा था, जी जी अकामा पे मेरे बाय डिफॉल्ट अल हिंदू सिया ही लिखा था, अल हिंदी अल हिंदू, अल हिंदू सिया। अच्छा अल हिंदू सिया, मुझे सर वर्ड बराबर मिल नहीं रहा है, थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है, वर्ड बराबर मिल नहीं अल रहा है आप। मेरे मेरे अकामा पे जैसे मैं इंडिया से गया था, और मेरा नाम जी थोड़ा सा मतलब हिंदू टाइप का था, तो उन लोगों ने बिना मुझसे पूछे अल हिंदू सिया ही लिखा था उस पे। अच्छा, अल हिंदू सिया मतलब कि हिंदू है, ये इंडिया का जी रिलीजन, जी हिंदू जो फॉलो करने वाला, वो बिना अल मुझसे हिंदू पूछा भी नहीं था, वो अपने आप बना के मुझे दे दिया। सर, वो वैसे भी वहाँ पे इंडियंस को हिंदी बोलते हैं, वो एक अलग ही हाँ पेक्यूलियर चीज़ है बिल्कुल अरब का। बिल्कुल बिल्कुल इंडियन कोई भी, चाहे मुसलमान रहो, क्रिश्चियन रहो, बुद्धिस्ट रहो, कोई भी रहो, वहाँ पे इंडिया से जो ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान भी रहा तो अल हिंदी हिंदी बोलेंगे उसको। हाँ और मगर एक एकदम बड़ी लगता है। पेक्यूलियर चीज़ है, एक पेक्यूलियर चीज़ है उनकी, कि केरला वाले को मलबारी बोलेंगे, केरला वाले को हाँ हिंदी नहीं बोलेंगे, उसको मलबारी बोलेंगे। उनके लिए केरला एक सेपरेट कंट्री है, उनके लिए अरब के लिए केरला एक बेस्ट सेपरेट कंट्री है, उसको मलबारी बोलेंगे, बाकी सबको यार हिंदी बोलेंगे। सर बहुत कुछ आपसे रिलेट कर सकता हूँ सर, मैंने भी काफी टाइम गुजारा है गल्फ में, तो आई उसे कैन वहां पे एक्चुअली। ये है कि जैसे कोई भी पहला, बिल्कुल सच कह रहे हैं, पहला वहां पे यही होता है कि ऐसे बोलते हैं, अंता वाला हिंदी वाला बंगाली वाला वाला क्या पाकिस्तानी, मतलब कि तुम इंडियन हो पाकिस्तानी हो कि बंगाली, क्योंकि हम तीनों लोग बिल्कुल सेम दिखते हैं ना, हम लोग तीनों लोग, बिल्कुल हम बिल्कुल तीनों लोगों का बिल्कुल शक्ल थोड़ा सा सेम तरह का दिखता है। तो जब भी कोई मुझसे अरबी मिला था, यही पहले मुझे यही पूछता था क्वेश्चन, हिंदी वो वाला बंगाली वाला पाकिस्तानी, तो जी उसके जी बाद जी आप बोलना आना, मुस्लिम बोल के बोल देना, बस खत्म। तो मुस्लिम का भी वहां पे कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, पहले तो ये है, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, पहले यही चलता है वहां पे मेन है एग्जैक्टली कि अरबी और अलखारजी, अरबी अलखारजी, एग्जैक्टली यानी कि अरब का है विदेशी है। बिल्कुल सर, आप यहाँ पे लोगों को इतना कम जानकारी, और ख़ास तौर से यहाँ के मुसलमान इतना कम जानते हैं अरब के बारे में, कि हम लोगों को कुछ सिर्फ इतना कुछ पता ही नहीं था। वी आर नॉट सो पॉलिटिकली अवेयर अबाउट मुस्लिम्स एंड ऑल दिस थिंग। पर जब मैं इंडिया शिफ्ट हुआ, तो मुझे याद है कि मैं एक मस्जिद के ऑपोजिट एक फ्रूट, एक जूस की दुकान थी, तो मैं अपने कज़न के साथ वहाँ फ्रूट की दुकान पे गया था, फ्रूट जूस पीने गया था। तो वहाँ पे जब मैं जूस उसे ना वो ऑर्डर जब दिए थे उसको, तो बोला सद्दाम दो ग्रेप जूस ले गया, तो उसका नाम सद्दाम बोल रहा है। तो मैं एकदम पलट के देखा, यार सद्दाम कहाँ से आ गया यहाँ पे इंडिया में, ये सद्दाम क्यों नाम रखा है। तो मैं पूछा, यार सद्दाम क्यों नाम रखा है भाई इसका, तो अरे क्या लगा, क्या बोल रहे हैं भाई आप, इस्लाम का इतना बड़ा लड़ने वाला भाई, सद्दाम इस्लाम के लिए कहाँ लड़ा भाई, वो तो इस्लाम के लिए तो कुछ किया ही नहीं उसने, पर उसे है उनका कुछ भी, तारिक अजीज नाम रखेंगे उसका, तारिक अजीज नाम रख देंगे उसका, या कुछ भी ऐसा नाम रखेंगे जो शायद फलस्तीन के लिए लड़ा होगा, ऐसा दिखता है कि इनके घर के लिए लड़ा होगा। बिल्कुल वो अरब से जो इंक्लिनेशन है वो तो हम देखते हैं हमें। तो सर अब आपकी वो जी को पेड सर्वेंट समझते हैं और कुछ भी नहीं, बिल्कुल, वो पाकिस्तानियों कितना को तो भी ये लोग और सदीक बुरा सदीक दिखते हैं। करें, कितना भी सदीक सदीक कहें, ये लोग गले मिलने की कोशिश करें, कुछ नहीं, वो बस एक वर्ड अरबी का होता है, मस्कीन कहते हैं, मस्कीन मिस्किन बोलते, भिखारी को बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर से बंगालियों को तो बिल्कुल मस्कीन बोलते हैं, और मिस्किन बोलते ये हाँ वही मस्कीन मस्कीन हैं। बोलते हैं। मिस्किन जो बोलते हैं सर, यहाँ आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ हैदराबाद में एक होटल है जिसका नाम है मिस्किन। अच्छा
होटल का नाम तक मिस्किन। तो अरब की इनको जो है ना यहाँ इतनी अरब की गुलामी करते हैं, जैसा हमारे सचिवालय जी बोलते हैं ना, अरब की गुलामी इतनी है यहाँ पर कि अगर अलग अरब इनको उल्टी करके देना उसको भी फातिहा पढ़ के पढ़ेंगे खाएंगे, अरब एग्जैक्टली की उल्टी को भी, अरब की उल्टी एकदम को भी फातिहा फातिहा समझ के खाएंगे। अरब की कोई गाली भी अगर दोगे ना लिख कर, अगर आप अरबी में बहुत बुरी मैं गाली है आपको इसका प्रैक्टिकल या वाक्य कल, बताऊंगा जो मेरी लाइफ में हुआ था, मैं इसका जी प्रैक्टिकल वाक्य मैं बताऊंगा। आपसे जरूर सुनूंगा, मतलब या कल्ब या हैवान या खितु या वो जो भी कुछ भी अगर अरबी में लिख के गाली भी देगा ना तो उसको भी चूम लेंगे ये अरबी समझ के। मैं आपको, आप दंग रह जाओगे जब मैं बताऊंगा मेरे मेरे सामने जो वाक्य हुआ था, मैं जी वो जी जी उससे रिलेटेड था वाक्य हुआ। तो इतने लाइफ में तो सब, जब ये सब चीजें मैं करूंगा तो पता ही है, सब चीजें से मुझे गुजारना ही पड़ेगा। जी 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 नहीं जरूर आप बताइए क्या 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 वाक्य था, बता आप ये बता तो सकते हैं क्या हाँ, मुझे। तो उसके बाद हाँ वही उस पर अभी मतलब जब मेरा शादी वादी हो गया तो फिर नॉर्मल जिंदगी जीने जीने मुझे, मैं तो आपको आपने बताया था मुझे जो मेरी शादी हुई थी बस मुझे उसी के बारे में चर्चा करनी है, बाकी आगे तो नहीं करनी है। जी 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 तो हाँ हाँ ओके अभी ओके ओके आई कैन अंडरस्टैंड सर सर नो नो अभी प्रॉब्लम। तो ये अभी तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ जी ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो ही, हाँ वो तो अभी रिकॉर्डिंग ही हो गई है तो यार हाँ कोई तो कोई ये बात नहीं। मेरा मेरा जो सेकंड था, मेरा बेटा वो भी मेरा मतलब 1 साल के बाद हुआ। सर 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 सेकंड मैरिज का आप जो बोल रहे हो सर, आपके दो तीन दो शादियां हुए हैं, मुझे जरा ये रोशनी डालिए सर कि आपकी जो जो फर्स्ट मैरिज तो खैर चलिए आपका इश्क था, आशिकी में आपने किया है एंड इट वाज अ ब्रिलियंट लव एंड अरेंज मैरिज दैट हैपेंड विद अ पाकिस्तानी गर्ल। नाउ जस्ट टेल मी अबाउट योर सेकंड मैरिज, हाउ वेर यू कोर्स्ड, हाउ वेर यू कोर्स्ड इनटू द सेकंड नहीं, मैरिज। मैंने उसमें नहीं हुआ था। जैसे क्या है कि वो सुन्नत है, अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ तो मेरे लिए सुन्नत है। वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट का सुन्नत है कि प्रॉफिट ने ऐसा किया था तो हम जब ऐसा करेंगे तो सुन्नत है हमारे लिए। तो इसलिए क्योंकि मेरे जो ससुर जी थे उनकी भी 3 बीवियाँ थी, तो मेरी मेरी जिससे शादी हुई थी वो लोग मतलब वो लोग 7 बहनें और एक भाई था, और उनकी फर्स्ट वाइफ से 2 लड़के और एक लड़कियाँ थी, और थर्ड वाइफ से 2 लड़के 2 लड़कियाँ जो मेरा ससुर जी थे। तो ये जो पर्टिकुलर जो होम था उसमें इनकी सेकेंड वाइफ थी। हाँ, ओके तो तो सेकंड वहाँ वाइफ के पे जो थे भाभी जी, जो सेकंड वाइफ की से सेकेंड जो वाइफ बेटी थी हुई वो, वो आपके भाभी जी हैं। हाँ हाँ ओके और उनकी एक बहुत ही मतलब क्लोज फ्रेंड थी, उससे उन्होंने मेरा निकाह करा दिया। वो थी पाकिस्तान के फैसलाबाद की, लेकिन वो लोग भी वहीं रहते थे। तो ओके 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 उन लोगों ने इसलिए एक्सेप्ट किया बिकॉज मैं बताया तो वहाँ पे एक तो पहले बहुत ही कॉमन है ये चीज़, हाँ। और मेरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था वो इतना मतलब ऐसा था कि उन लोगों को कोई मतलब इसमें तकलीफ नहीं हुई। ओके 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 तो यू आर वेल ऑफ बेसिकली बिकॉज़ यू आर वेल ऑफ एंड दैट्स व्हाई यू वर कंसीडर्ड फॉर। हाँ मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा कि मैं, लेकिन सैलरी मेरी बहुत हाई थी वहाँ। ओह आई एम सो सॉरी। ओके 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 राइट 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 सो इट्स लाइक यस सो आपने जब आपने रियाद में सुना होगा कि वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जीएमसी की, जनरल मोटर्स कॉर्पोरेशन, तो जी जैसे जी नहीं जी यहाँ पे हमर उमर जैसी गाड़ियाँ होती हैं, तो ऐसे ऐसे मेरे पास वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ थी। ओके 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 या राइट आई कैन अंडरस्टैंड या आई मीन तो दैट्स व्हाट आई आपके मीन इट्स ऑलरेडी बीन सेड आई मीन सर दैट यू आर वेल ऑफ, यू हैड अ ब्रिलियंट जॉब देयर एंड और आप यू वेल ऑफ सो इसलिए तो आपको मतलब आपके पास अच्छा मतलब पैसा वगैरह था आपके पास एंड यू आर इकोनॉमिकली वेल ऑफ सो सर्टनली दैट्स वे यू आर कंसिडर्ड टू हैव अ सेकेंड वाइफ। बट द फैक्ट इज सर कि आप जो सेकेंड वाइफ की तरफ गए आपको ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये इम्पोर्टेंट है ना सर, आपको को क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपको एक्चुअली ब्रेन क्या वॉश है किया ना, गया। हाँ बिल्कुल वो मुझे ये चीज सुन्नत है बहुत अच्छा होता है ये, इसे मुस्लिम लोग पढ़ते हैं ये हम लोग के लिए सुन्नत है, अगर जाते मुस्लिम बच्चे होंगे तो ये हम लोग के लिए सुन्नत है, तब ये सब बातें मुझे इससे अल्लाह खुश होता है, इससे हम लोग को मतलब शवाब मिलता है, आपको भी शवाब मिलेगा। तो अब ये सब दिन भर कोई सुनाएगा तो एग्जैक्टली सर आई कैन अंडरस्टैंड दिन भर अब कोई आदमी को दिन भर अगर सुनाया जा रहा है कि कितना भी सभ्य आदमी हो अगर कोई किसी की नीयत खराब हो तो वो तो करेगा ही, पर कोई आदमी बिल्कुल डिसेंट आदमी भी है, जो होते हैं आदमी में डिसेंट लोग भी होते हैं, तो अगर उसको दिन भर में यही चीजें अगर सुनाई जाएंगे
और यही चीज बोले जाएंगे तो वो तो बिल्कुल मतलब आपके ऊपर मतलब ब्रेन वॉश किया गया, रेगुलरली यू आर बीइंग कोअर्स्ड, एक किस्म का मेंटली आपके साथ कोअर्शन हो रहा था, इफ आई एम राइट, कि भाई आपको सवाब मिलेगा, आप जो है जन्नत मिलेगी आपको, मोमिन बढ़ेंगे, और उस वक्त तो आप एक मुसलमान ही थे, इफ आई गॉट इट राइट, एम आई राइट सर? तो मतलब अब वही बता रहा हूँ आपको, मतलब जैसे अगर आपको ये सब कोई कहे रोज रोज तो आपको थोड़ा सा एक बार मतलब होता है, चलो ठीक है जब उनके अब अच्छा उनके फैमिली में भी ये सभी लोग ये कर रहे थे बिल्कुल, वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल था, और ये मुझे बताया गया था कि पाकिस्तान में कोई इतना खास नहीं था पहले ये, लेकिन पिछले 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा हो गया है वहाँ भी, एक से ज़्यादा मैरिज पहले नहीं था वहाँ पे, और मैं तो ऐसे कल्चर बैकग्राउंड का हूँ इंडिया का कि यहाँ तो रेयरली कोई दिखता है ऐसा करता हुआ, इवन मैं तो किसी मुस्लिम फ्रेंड को भी नहीं देखा था कि कोई ऐसा ऐसा करे, तो मेरे लिए तो बहुत ही अजीब था, लेकिन अब वहाँ पे इतना ओपनली एक्सेप्टेड, इतना ओपनली एक्सेप्टेड, और बिल्कुल पॉलीगैमी इज वेरी एक्सेप्टेड, मतलब पॉलीगैमी इज वेरी नॉर्मल इन अरब्स, एक्चुअली अरब कल्चर में बहुत ही कॉमन होता है सर वहाँ पे बिल्कुल, मतलब मैं अगर गलत तो नहीं, मतलब अगर समझो हस्बैंड अगर दूसरी बीवी लेके आता है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी लाइक वो पहली बीवी और दूसरी भी भाई बहन बहन की तरह रहते हैं, तो वो सुन्नत है ना, फिर वो तो फिर सुन्नत तो है, खिदमत करनी है उनको, तो खिदमत करनी है हस्बैंड की बात, छोटी बीवी बीवी है, मेरी वाइफ लोगों को ये समझाया गया था कि तुमको सिर्फ अपने शौहर की खिदमत करनी है, इसके अलावा कुछ उनको नहीं पता था, वो अपने लाइफ में सिर्फ एक ही चीज पढ़ी थी वो है अरबी इंग्लिश और इस्लामी हिस्ट्री, बाकी और उर्दू तो उनकी अपनी जबान थी उर्दू पंजाबी, तो वो उनको आती थी, तो इसके अलावा कुछ नहीं पता था उनको, ओके 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 ओके, इसके अलावा पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उनको एक भी ना आगे ना पीछे कुछ नहीं पता, इसके अलावा मतलब बेसिकली आई मीन लाइक सो मतलब लाइक दे जस्ट हैव एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, डेफिनेटली स्कूल तो गए होंगे, बेसिक एजुकेशन तो है शायद उनके पास, मगर दुनिया में क्या हो रहा है वो सब है ही नहीं, और दुनिया जिंदगी में पर्पस सिर्फ शौहर की खिदमत करना है, हाँ बस इस्लामिक स्टडी, अरबी अरबी इस्लामिक और उर्दू पंजाबी उनकी अपनी ओन लैंग्वेज थी, तो उनको आती थी, ओके 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 ओके, बाकी कुछ नहीं बता रहा था आपको, मेरे अलावा किसी गए बात से कभी बात ही नहीं की थी, मिले आपको मतलब चिकड़ छोले या कभी बना के दिया आपको आलू की रोटी चिकड़ छोले? बहुत सी चीजें बनती थी वहाँ पे, ऐसी कोई चीज ना हो जो की ना बने, नहीं नहीं आपको भैया आपको क्या सर्व सर्व किया गया क्या कभी आलू के पराठे चिक्कड़ छोले? हाँ हाँ सर, पंजाबी क्यूजिन बहुत अच्छा सर दिया गया, मैं वहाँ यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ओके 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 ओके, नहीं तो दूसरी तरफ बात चली जाएगी, ओके नहीं नहीं नो सर, दिस इज जस्ट अ वेरी लाइट हार्टेड थिंग बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक केस सर, यू वर एक्चुअली अ हिंदू, यू गॉट मैरिड टू अ पाकिस्तानी गर्ल इन सऊदी अरेबिया, यू कन्वर्टेड टू इस्लाम, अगर आप मुझे क्यूजिन पूछेंगे तो मैं अगर उसको डिस्कस करने लगूंगा तो बात कहीं और चली जाएगी फिर, हाँ नहीं नहीं सर आई कैन अंडरस्टैंड सर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता अभी, मैं इसलिए क्यों क्यों मेरा इशारा, मेरा इशारा मैं 100% दर्शक भी समझ जाएंगे जब ये वीडियो प्लेस होगा तो अच्छी तरीके से समझेंगे सर इस चीज, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे आपकी बात को, तो इट्स लाइक मतलब जन्नत के चीजें आपको मिले, जन्नत के जो नेमतें हैं वो सारे दस्तरखान से पे परोसे गए हैं आपको, मतलब सफरा मतलब हाँ सफरा भी बोल सकते हो, कभी कभी हम लोग मतलब जो है साथ में सफरे पे भी खाते थे जी, सफरा एक होता है बिछाया जाता है नीचे और दस्तरखान जिसे बोलते हैं दस्तरखान, हाँ और ऐसे बैठ के लोग खाते हैं, अरबी में सफरा बोलते हैं उसको, अच्छा सफरा बोलते हैं बराबर, हाँ ऐसे बैठ के गोल गोल बना के लोग खाते हैं उसको, जी 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 बढ़िया है सर, तो अच्छे नेमतें भी मिले खाने के लिए वगैरह के लिए, मैं खाने तक ही हूँ सर, मैं और दूसरी चीज तक नहीं जाऊंगा, मैं बस खाने तक ही रहूँ, लेट्स स्टिक टू क्यूजिन, खाने में भी आप ज्यादा क्यूजिन ना पूछिए मुझे बस उतना ठीक है, उससे ज्यादा ना पूछिए, नहीं नहीं खाने तक ही पूछूंगा सर, आई एम अ फूडी, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्या क्या मैंने वहाँ खाया होगा, अरे रे 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 सर बिल्कुल 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 सर, तो सर सर ये पता ही है कि अब नेमत है तो मिल गए, जन्नत के सारे मतलब जन्नत के जो नेमत है खाने पीने के सारे नेमत है तो आपको मिल गए, तो ये जहन्नुम की तरफ रुख करने का आपका क्या मकसद था, मतलब कि क्यों आपने जहन्नुम की तरफ रुख किया,
मतलब एक्स मुस्लिम, अब आपको टेक्निकली तो मैं एक्स मुस्लिम ही बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप मुसलमान अपने मर्जी से आप मुसलमान बने, फिर इस्लाम से आप अब छोड़कर आप जो भी है अभी एग्नोस्टिक है, आप जो आप बता रहे थे कि यू आर करंटली राइट नाउ योर स्टेटस इज लाइक एग्नोस्टिक, तो ये जन्नत की नेमतें छोड़ के आप जहन्नुम की तरफ कैसा रुख किया आप? होता ये है कि देखिए, बैकग्राउंड तो बताया मैंने कि मेरा मेरा बैकग्राउंड था टेक्नोलॉजी का, तो एक अंदर तो रैशनैलिटी रहती है थोड़ी बहुत, मतलब कितना भी मतलब समझाया जाए लेकिन एक मतलब अंदर रैशनैलिटी रहती है। तो जैसे जहाँ मैं जॉब करता था तो वहाँ पे हर जगह के लोग थे, लेबनान के थे, इजिप्ट के थे, इजिप्ट को वहाँ पे बोलते हैं मसरी अरबी में। जी, मसली मत बताया मुझे इस, और वो जीम ने गीम बोलते हैं, ग बोलते हैं वो। हाँ, मसरी बोलते हैं इजिप्टियन को, और लेबनानी थे वहाँ पे, जॉर्डन के लोग थे, कई लोग थे, तो वो लोग बिल्कुल बाई बर्थ सलफी लोग थे सारे लोग। और जब मैं ये कन्वर्ट हुआ था तो मुझे ये बताया गया था कि ये ऐसा मजहब है जो कि कंप्लीट क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का है, क्रिएटर कंप्लीटली ऑफ यूनिवर्स का है, मतलब इसमें इंसानों का दखल एक वर्ड भी नहीं है कहीं भी, इसके पूरे होल सिस्टम में एक चीज भी ना इंसानों का कुछ किया हुआ है और ना उसमें कुछ किसी का दखल है, ये कंप्लीट क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का है। और हमारे जो लास्ट नबी थे उन तक ये बात अल्लाह ने दिया और उन्होंने हमको दे दिया, बस ये है कंप्लीट, इसमें किसी का कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं है बीच में, ये मुझे बात बताई गई थी, ओके 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 जी मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि कंप्लीट बिल्कुल जी इसका एक एक चीज जो है, इस पूरे इसका पूरा सिस्टम जो है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का है और कोई इसमें बीच में शामिल नहीं है, बस हमारे नबी और हम लोगों को इंफॉर्मेशन उनसे। तो ओके 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 सो आई मीन ओके ये चीज मुझे बताई गई थी, तो जहाँ मैं जॉब करता था तो वहाँ पे सारे, वहाँ भी सारे सब्जी लोग थे, ये लोग तो जो पाकिस्तान के लोग थे, ये लोग बेसिकली पहले हदीस थे ये लोग, तो लेकिन जहाँ मैं जॉब करता था वो अरबी लोग थे प्योर, और वो सल्फी लोग थे, तो मेरी वहाँ पे ना जैसे मेरी मेरी जो पोजीशन थी काफ़ी हायर थी, तो मेरी दोस्ती बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हो गई थी वहाँ पे, तो कन्वर्टेड थे तो आपको तो ज्यादा इज्जत मिलती थी, ज्यादा दावतें आपको मिलते थे शायद। वो तो मुझे मिलती थी लेकिन उसमें वही तो उसमें कुछ जो जो उसी समय मुझे पता चला कि मुस्लिम भी होते हैं उसमें, एक उसमें पहला मेरा जो फ्रेंड था वो इजिप्शियन था, तो वो जो उसने पहला क्वेश्चन पूछा कि मतलब यू आर एक्सेप्टेड इस्लाम, मैंने कहा हाँ, तो जैसे वहाँ पे ना ऐसे बोलते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्सेप्टेड इस्लाम, ऐसे बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव एक्सेप्टेड इस्लाम, दैट्स ट्रू। ऐसे नहीं मतलब कोई बोलता है कि हाँ हाँ हमने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, इसमें ये प्रेज करके कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, यानी जी कि जी जी अल्लाह का थैंक्स है कि मैं इस्लाम में आ गया, दाखिल हो गया। तो ये मेरी भी आदत बनी हुई थी, तो जब मैंने ये बोला तो जब मैंने ये बोला तो वो जो है जो इजिप्शियन था वो थोड़ा सा मुस्कुराया, तो कहा कि अच्छा, कहा कि सर डिड यू मतलब रीड फुली इस्लाम, मैं कहा कि नो, तो फिर उसने कहा कि अच्छा क्या क्या मतलब क्या लगा था आपको क्या इस्लाम के बारे में, तो मैंने कहा कि यार इट्स कम्प्लीट, और मतलब कि सोचिए इतना वो होने के बाद भी, जब इतना पढ़ा लिखा होने के बाद मैं सीधे कह रहा था उससे कि कम्प्लीट क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स की बुक है, कुछ इंसानों का दखल ही नहीं है कहीं भी, तो कहा आर यू श्योर, तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बिल्कुल आई एम श्योर, तो मैंने कहा, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन आप ये कहिए कि आप मुस्लिम जब बने थे तो क्या कह के बने थे, मैंने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये कलमा पढ़ा था और ये पढ़ के मैं इस्लाम में दाखिल हुआ था। उन्होंने तो उसने मुझसे पूछा कि ठीक है आपका पहला क्लेम ये है ना कि इसमें इंसानों का एक भी दखल नहीं है, तो मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा कि जा करके आप पहले अपने घर में पूछिएगा कि ये इस तरीके से कहाँ लिखा है ला इला इला ला मुहम्मद रसूल अल्लाह, ये बोल करके और इस्लाम में दाखिल होना है ये कहाँ लिखा है, ये अल्लाह ने कहाँ हुक्म दिया है, आप पहले बस ये पूछिएगा। एग्जैक्टली हमारे सचवाला जी ये सवाल पूछे, पता है आपको? तो ये अच्छा, तो ये मुझे उन्होंने कहा, उसने मुझे यही कहा जो, तो तब तब तक मुझे नहीं मालूम था कि वो एस मुस्लिम है, बस उसने मुझे ये कहा कि आप प्लीज मेरे ये कहने पे जाके पूछिएगा कि
ये अल्लाह ये कायनात के बनाने वाले का ये हुक्म है कि ये कह के आपको इस्लाम में एंट्री होना है, ये कहाँ लिखा है और ये कंप्लीट फॉर्मेट में ये कुरान में कहाँ लिखा है कि ये बोलते हुए और अल्लाह का ये हुक्म है ये करते हुए आपको इस्लाम में दाखिल होना है। तो ये फर्स्ट टाइम जब अपनी वाइफ से पूछा तो वो देखिए वहाँ पर क्या होता है ना कि वहाँ की लड़कियाँ बड़ी सबमिसिव होती हैं, मतलब हस्बैंड के लिए वो कुछ बिल्कुल बहस नहीं करती बिल्कुल हस्बैंड से, तो उनको ऐसा मतलब उनको सिखाया गया है कि वो बिल्कुल जो कहा जो मैं कहता था बस उसको करना है, दैट्स इट, उसमें इफ बट कुछ नहीं करना है, मेरे मतलब मेरे मुंह से कुछ निकला उनको करना है, दैट्स इट, ये होता था। अच्छा 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 तो फिर मैं जब ये क्वेश्चन पूछा तो वो थोड़ा सा पहली बार सकते में आई कही कि कौन कौन कहा है आपसे ये, मैंने कहा कि नहीं मुझे बताओ ऐसा कुछ है क्या इस तरह से, मतलब हमसे तो ये बताता है कि भाई इसमें तो पूरा कहना और बिल्कुल अल्लाह ताला का हुक्म है ये कम्प्लीटली, तो क्या ऐसा कहीं है क्या कि ये कलमा बोलते हुए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये कलमा बोलते हुए हम इनको इस्लाम में दाखिल होना, ऐसा कहीं है? तो वो कहीं कि नहीं एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि तो मैंने पूछा कि क्या उसमें फिर इंसान का कुछ दखल है क्या, तो करी कि नहीं, तो वो भी मतलब थोड़ा सा मतलब ये मेरे क्वेश्चन को लेकर ना क्योंकि मतलब उन लोगों के सामने ये ऐसा क्वेश्चन था जैसे बिल्कुल एकदम कोई क्या बोलते हिमालय गिर जाऊंगे ऊपर। भाई आपने तो पूरा हिला ही दिया इनका तो, यूट्यूब भी बजा दिया अब, तो आप जब सोचिए आप जब ये पहला क्वेश्चन तो उसने कहा कि मैं काफी टाइम से मैं भी इस्लामी हूँ, मैं काफी पढ़ रही हूँ, ये चीज एग्जैक्टली कहीं कुरान में नहीं लिखी हुई है ये, तो मैंने तो फिर मैंने कहा कि क्या इसमें कुछ फॉर्मेशन इंसानों का हाथ है क्या इसमें, फिर बोलने रही थी मुझे तो जो मेरी दूसरी वाइफ थी वो भी आलिम थी उससे पूछा गया, तो मैंने उसको बुला के उसको उसको मैंने पूछा कि यार ये बताओ कि ऐसा कुछ है, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे दोनों का। हेलो जी 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 सर, हेलो आपको आवाज़ आ रही है? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे कि उनका नाम क्या था, मैं बस ये कहूँगा कि मैंने उससे जब पूछा जी 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 तो उसने भी मतलब उसने कहा कि तो मैं उससे पूछा कि यार ऐसा कुछ है क्या मुझे, तो वो भी यही पूछी कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो क्या क्या रीज़न है, मैंने कहा बस मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा मतलब एग्जैक्टली कुछ है इस्लाम में कि ये करते हुए मुझे इस्लाम में दाखिल होना, क्या अल्लाह ने हुक्म दिया था? तो उसने कहा नहीं एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं है, उसने भी ये एक्सेप्ट किया, देखिए दोनों ने एक्सेप्ट किया ये चीज़, ये ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उन दोनों ने यहाँ वहाँ किया, क्योंकि पता ना कि वहाँ की औरतें जो है बिल्कुल हस्बैंड से बहस नहीं करती हैं, तो जी, दोनों जी, ने ये हाँ ये दोनों ने ये एक्सेप्ट किया कि नहीं कुरान में एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है और ये बोलते हुए हमको इस्लाम में दाखिल होना है ये भी अल्लाह का हुक्म नहीं कहीं लिखा है। एग्जैक्टली बिल्कुल तो, बिल्कुल सर आपने देखिए ये एक मुझे क्या समझ में आ रहा पता है, पहले तो आपने सिर्फ मान के आ गया, अब आप जानने की कोशिश कर रहे हो। वो भी जानने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिससे मेरी बात हुई थी जो इजिप्शियन था हाँ उससे मैंने ये कह दिया कि यार ये कंप्लीट अल्लाह का फॉर्मेट है तो उसमें क्या है इसमें क्या बिल्कुल सच, तो उसने मुझे ये इसने मुझे ये नहीं कहा कि ये सच्चा है कि झूठा है कुछ नहीं, मैं मुझे जाने कुछ भी नहीं कहा उसने, उसने ये कहा बस आप ये बस मैं आपको ये जानना चाहता हूँ जो आपने कहा कि इसमें इंसानों का बिल्कुल दखल नहीं है, अब जरा ये क्वेश्चन जरा पूछ के आना। तो लगभग ऐसे दो तीन दिन बीत गए तो फिर मैंने मुझसे कहा तो रहा नहीं जा रहा था, तो मैं जो मेरा साला था वो कारी था, समझ रहे हैं तो ऑफिस कारी खारी खारी लोग जो खैरात पढ़ते हैं वो जी खारी हाँ, तो मैं जो मेरी मतलब वाइफ थी उसको भी अप्रोच किया कि ऐसा हो सकता है कि मेरे कहीं जहन से जा रहा हो, तो वो भी एकदम बिल्कुल ये क्वेश्चन सुन के कहा कि ये कौन पूछा ये क्वेश्चन तुमसे ये कैसे कौन पूछा ये, तो मैंने कहा कि तो उसने बताया कि मतलब आपको जीजा जी ने पूछा है ये, तो भागा वो बिल्कुल मेरे पास आ गया, वो कहा कि ये क्या पूछा है आपने, तो मैंने कहा नहीं बस पूछ रहा हूँ इसमें क्या क्यों इतना घबराए हुए हो भाई, इसमें कौन सी घबराने की बात है, अरे नहीं नहीं मतलब आपको कौन कुछ कोई बोला है क्या, मैंने कहा कोई कुछ नहीं बोला मैं बस पूछ रहा हूँ कि ऐसा कुछ लिखा है इस फॉर्मेट में इस तरीके से कुछ है, क्योंकि देखिए मेरे पास तो ज़्यादा कुरान पढ़ने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था मेरे पास, जो
अब जिसके पास दो बीवियां होंगी और जॉब होगा तो उसको क्या मिलेगा बताइए। नहीं, उसको जन्नत जरूर मिलेगी। हाँ वो तो वो मैं अब चुकी हूँ। जो एक बीवी संभालना, एक बीवी संभालना बहुत मुश्किल भाई, दो दो बीवी आपने संभाला है, आपको तो पक्का जन्नत मिलना चाहिए, सवाब है आपको। शादीशुदा इंसान की तकलीफ तो समझते हो आप मतलब आप ऐसे हैं शख्स जो शादीशुदा इंसान की, उसके लिए एक बार भी कभी झगड़ा नहीं हुआ। बस उन लोगों ने मुझे क्या कहा था कि वो पूरे हाउस में जो है ना एक हार्डबोर्ड का उन्होंने पार्टीशन करवा दिया था। जी 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 वो हाउस में जो है एक हार्डबोर्ड का पार्टीशन करवा दिया था उन्होंने, कि कहते इधर ये रहूंगी इधर मैं रहूंगी, बस ये उन्होंने मुझसे करवा दिया था। तो मैं वहीं बुला करके एक मिस्त्री को पार्टीशन मैं खुद ही घर में करवा दिया था मैं। काफी दिलचस्प है सर, ये भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि मतलब कि झगड़ा भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी सोशल हार्मनी देख चुके हैं कि भाई बीवी को दबा के रखो, औरत को दबा के रखने से तो हार्मनी होगी। अब जब लड़की जब बोलना शुरू करेगी तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी देना पड़ेगा उससे। और मतलब अभी धीरे धीरे अब औरतें, कभी भी मैंने उनसे मतलब एक चाय बनाने को लेकर भी बहस नहीं कभी हुई थी उतने दिनों। अच्छा, ओके ओके ओके। तो इतना अंडरस्टैंडिंग मैं तो खुद ही देख करके मेरा तो बिल्कुल मारा था कि गजब की अंडरस्टैंडिंग है भाई। तो उनके मतलब ये ना वो बचपन से देखते आते हैं वो लोग कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे अब्बू ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, तो कि उनके लिए ये बिल्कुल यूनिक। अब आपके लिए हमारे लिए बहुत जबरदस्त चीज है ना ये। नहीं हम हमारे लिए देखिए, अगर मैं इसको देखूं ऐसे कि सर देखिए, अब औरत एक इंसान है सर, वो इंसान ही तो है ना, हम किसी रोबोट के साथ थोड़ी रह रहे हैं, हम इंसान के साथ रह रहे हैं ना। नहीं मतलब हम भी गालियां सुनते हैं ऐसा नहीं, बर्तन भी हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, हम पर बोलते हैं, हमको भी मार तो हमको ही पड़ती है आखिर को। अब एक मुस्लिम है तो मार खाना सीख लेना चाहिए, तो मार तो पड़ती है। तो ऐसा है कि हम कि एक इंसान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, हम किसी एक रोबोट के साथ थोड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं तो मैं तो सोचता हूँ सर कि फिर कोई सिंथेटिक कुछ प्लास्टिक के रोबोट्स बना देते हैं ना सर, उससे ही जिंदगी गुजार लेते हैं आजकल। टेक्नोलॉजी अगर आगे बढ़ गई तो वही हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको ये बताया गया था बस केवल कि तुमको अपने शौहर की खिदमत करनी। एग्जैक्टली, तो मतलब ऐसी वाइफ देखिए भाई, खिदमत करने वाली भी है। अगर तुम सब से बहस करोगी तो वो तुमको बिस्तर से अलग कर देगा, तुम जहन्नुम में जाओगी, तुमको ये फरिश्ते तुमको लानत भेजेंगे, ये करेंगे, तो ये सब उनके माइंड में 24 आवर रहता था। एग्जैक्टली, हाँ मतलब कि ऑलमोस्ट यू वर लाइक, आई शुडंट से दैट बट इट्स लाइक गेटिंग मैरिड टू अ रोबोट। इट्स एज गुड एज दैट कि भाई जो भी आप बोलोगे वो सुन लेगी, आप चाय बोलो चाय पेश करेगी। बहस में मैंने बताया ना, मैं इतनी लाइक एक बार मुझे याद है कि मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, दोनों आके रोने लगी और तब तक अच्छा नहीं, तब तक नहीं मानी जब तक मैं हंस करके दोनों को मतलब गले नहीं लगाया। अरे वाह, अच्छा ओके, आई कैन ये सोचिए। और गुस्सा भी वही हुआ था। अच्छा, गुस्सा मैं हुआ था, मेरी गलती थी, वो दोनों आके रो रही थी मुझसे। यू वर एंग्री, इट्स ओके ओके। I mean, this is such an unnatural way to keep society. सोचे कि मैं गुस्सा हुआ था और गुस्सा इस बात पे हुआ था क्योंकि थोड़ा सा कमरे में जो है ना काफी एसी वगैरह के तो बहुत चलते हैं ना हमेशा, तो मुझे पता ठंडा भी मैंने एसी बंद कर दिया, तो उसने ऑन कर दिया बिना मुझसे पूछे। और okay, okay, okay. मैं फिर से बंद किया, मैं कहा कि थोड़ा सा गुस्से में बोल दिया, और वो मतलब आप सोचिए कि वो जा करके आज पहले 10 मिनट रोई, फिर रो करके फिर उसको बुलाई, फिर डॉक्टर आए मेरे पास और रो रहे थे। लेकिन मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये लोग ये करेंगे, मैं तो बस उसको भगा दिया वहां से, तो भग भगो यहाँ से, दिमाग में था सुबह सुबह। बाप रे बाप, आई कैन अंडरस्टैंड सर। बात को लेके और मैं जैसे नहीं, हम लोग के बहुत ये तो नॉर्मल चीजें हैं हम लोग के घर में, ये तो काफी नॉर्मल है। तो मेरे बच्चे को एसी जमता है तो मुझे बाहर निकल जाना पड़ता है मेरे को घर के, मुझे एसी नहीं जमता है, मेरे लड़के को एसी जमता है।
तो हमको तो मार के घर से बाहर निकाल देंगे, हमको तो बाहर जाके सो बोलेंगे। माफी मांग मांग के बार बार मेरे जैसे मेरे ये मेरे चीक्स को छू छू करके कि प्लीज मतलब वो अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, ये देखो भाई, तो आप खुद सोचिए कि ऐसी लड़कियों से तो आपका बेटिक भी आपको प्यार हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। सच में तो आपका देखिए डाउट आपको डाला गया किसी एक इजिप्शियन बंदे ने, आपके कोई इजिप्शियन जो जिसके पास काम करे उसने आपके जहन में डाउट डाला है, और डाउट डाल के फिर उसके बाद देन यू स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन एंड योर आपके जो साले साहब थे वो खारी थे, एंड दैट्स वेयर द एंटायर प्रॉब्लम स्टार्टेड कि भाई अब आपके जो है जहन भटक रहा है। अभी यहां से प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई थी, अभी तो फिर यहां पे ये बात खत्म हो गई कि ये क्लियर हो गया कि नहीं कुरान में इस तरीके से कहीं ऑर्डर नहीं है। ओके ओके ओके। ये मेरी दोनों वाइफ ने एक्सेप्ट किया, और वो जो कारी साहब थे वो घुमा फिरा के मुझे बता दी कि देखो यहाँ है, यहाँ है, आखिर कुछ करना पड़ता है ना कैसे। तो मतलब उनको यही मतलब उन्होंने भी ये कह दिया वहाँ पे कि ये थोड़ा बहुत तो मतलब है ही यार एकदम बिल्कुल। अब मतलब थोड़ी इस पे लगे आने, वो इससे पहले मुझे वो ये बताए थे कि ये एग्जैक्टली अल्लाह का फॉर्मेट है, इसमें बिल्कुल भी इंसान का एक वर्ड भी नहीं है। तो लेकिन उस दिन वो थोड़ा सा मतलब वो हुए कि हाँ अब ये सब चीजें तो कोई ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है उनके अकॉर्डिंग। वो कहे कि अरे आयत पे रहो, ये सब सबसे मतलब नहीं है। तो okay, okay. हाँ तो फिर मैं ये जाकर के यही बात मैं इजिप्शियन से बोला, तो वो हंसने लगा। वो कहा कि फिर आपकी बात सच हुई कि गलत हुई, मतलब वो ये बोला कि व्हाटएवर दे टोल्ड इट इज कंप्लीटली ट्रू और रॉन्ग लिटिल बिट। मैंने कहा यार लिटिल बिट तो रॉन्ग है। तो फिर उसने कहा अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा, कहा कि अच्छा आप ये जाके पूछिएगा वो जो फाइव पिलर्स बने हैं वो उस फॉर्मेट में कहाँ लिखा है, कहाँ अल्लाह ने कहा है कि वो फाइव पिलर्स फॉलो करने हैं इस्लाम को। मैं जरा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा एक क्वेश्चन कि जो इजिप्शियन था वो अरब मुसलमान था कि क्रिश्चियन था, क्योंकि देयर आल्सो अरब्स अरब क्रिश्चियंस। वो सल्फी सुन्नी था। अच्छा ही वाज अ फॉर्मल सल्फी मुस्लिम। ओके ओके ओके। ये फॉर्मल मुझे नहीं मालूम था कि उस समय वो फॉर्मर है, मुझको नहीं मालूम था वो फॉर्मर। और मेरा जो स्टैनो था वो था लेबनानी, वो भी एक्स मुस्लिम था, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला। इतने सारे सलफी लोग हैं जो वहाँ एक्स मुस्लिम कितने होंगे, मैं वो सोच रहा हूँ सर आपसे बात करके, अरबों में कितने एक्स मुस्लिम होंगे अभी। सर बहुत हैं, वो तो वो डर के मारे, और मतलब आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि अल्जीरिया में और तमाम सारे मुस्लिम ममालिक में, उधर इजिप्ट में भी जो नहीं वहाँ पे तमाम रिवोल्यूशन हुआ था गवर्नमेंट के खिलाफ। जी 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 जी, वो अरब स्प्रिंग बोलते हैं, अरब स्प्रिंग। कई सारे मुल्कों में जो उसमें सारे एथिस्ट ही थे बेसिकली, वो सारे एक्स मुस्लिम ही थे उसमें ज्यादातर। वंडरफुल सर। उस रिवॉल्यूशन में जिसको कि बहुत पावरफुल दबा दिया गया, आपको पता होगा बहुत पावर करके दबाया गया, बहुत पावरफुल है। और मैं तो सुना हूं कि सर टुनिशिया हैज द हाईएस्ट एक्स मुस्लिम, अभी टुनिशिया में तो बहुत बढ़ चुका है। हां बिल्कुल, टुनिशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, लेबनान, ये वहाँ पे मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जिस दिन बाढ़ आएगी ना ये एकदम पूरा डूब जाएगा, पूरा बचेगा नहीं बिल्कुल ये। बस वो लोग मतलब ये काफी, देखो इनके पास काफी पैसा है, पावर है, ताकत है, दबा के रखे हुए हैं लोग। जी 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 बिल्कुल। तो ये पैसे के बलबूते पे ये पूरा जो है पैसे के बलबूते पे टिका है अभी, मतलब कि इतने लाखों मस्जिदें, लाखों मस्जिदें बन रही है, लाखों मदरसे बन रहे हैं, बच्चों को बचपन से वो काम में भरा जा रहा है उनके, यही सच है, यही कायनात का सच है, यही सच है। और मतलब मक्का में अल्लाह का घर है, ये है वो है, मतलब और कोई भी अगर तनकीद करे, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, तनकीद नहीं, कोई अगर क्वेश्चन पूछ दे तो तनकीद का इल्जाम लगा करके उसको मार डालो बिल्कुल। और अपने मुल्क में ब्लास्फेमी का रूल बना दो, और सऊदी में तो आप इस्लाम को छोड़ ही नहीं सकते ऑफिशियली, आप वहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तुरंत तुरंत आपको आपको तुरंत वहाँ पे मौत की सजा मिल जाएगी। तो आप खुद सोचिए कि कायनात के बनाने वाले सच को बचाने के लिए इस तरह का इंतजाम, तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, बड़ा तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। सच तो बिल्कुल ओपन होना चाहिए ना कि अरे और देखो चेक करो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल मौलवी खड़े करते जा रहे हो, मुल्ला खड़े करते जा रहे हो, बचपन से एकदम कानों में भरते जा रहे हो,
कोई कुछ बोल रहा है तो उसको ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दे रहे हो, उसको मार दे रहे हो, उसको कन्वर्ट नहीं होने दे रहे हो। सर मैं जो है ना, सर मैं थोड़ा सा इधर आपसे ये जानता, मतलब दर्शकों को भी मैं यही बोलूंगा जब ये स्ट्रीम आएगी कि आप देखिए आपने कितने प्रिविलेजेस छोड़ा है। आपने, आपके दो बीवियां थे आपके, उनसे बच्चे भी हुए आपको, दो बीवियों से बच्चे भी हुए आपको, दोनों खूबसूरत बीवियां आपने छोड़ा है आपने, और आपने अच्छी, एक अच्छी जॉब थी आपकी, अच्छे पैसे आपके आपके बन रहे थे, आपने उस नौकरी को भी हटाया, आपने रियाल में अच्छी कमाई बहुत कुछ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इट्स लाइक हरक्यूलियन सैक्रिफाइस, जहाँ एक बीवी नहीं मिलती है हिंदुस्तान में तो वगैरह में, आपने दो बीवियां छोड़ के आए वहां, और ऊपर से आपने नौकरी अपनी छोड़ा है, आपने अपने प्रिविलेजेस छोड़ा है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट बच्चे, सर बच्चे भी आपसे अब दूर हो चुके हैं, तो इससे बड़ा सैक्रिफाइस क्या हो सकता है। आपकी कहानी कहीं ना कहीं सचवाला जी से मिलती भी है, क्योंकि उनको भी ये सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो मतलब इट्स अ सुप्रीम सैक्रिफाइस सर। अभी सर आप अपने आप को कहां, मुझको नहीं मालूम है, मुझको सचवाला जी कहानी नहीं पता है, हालांकि मैं उनका स्ट्रीम सुना हूं कुछ इस्लाम पे, जो क्वेश्चन किए हैं उनके क्वेश्चन बहुत जायज हैं, लेकिन मैं उनकी कहानी नहीं जानता हूं कि उनकी कहानी क्या है। जी जी उनके जायज क्वेश्चन नहीं सर, मैं तो अभी आपके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन वो भी बोल रहे हैं, और अरब में जिस तरह से एक्स मुस्लिम बढ़ रहे, दैट इज एक्चुअली अ ब्रिलियंट थिंग, और आपसे अच्छा कौन जाने, आपने 11 साल वहां काम किया है, आपने सल्फियों के बीच में रहा है, एंड यू हैड अ वेरी गुड जॉब देयर एंड यू लिव्ड अ ग्रेट लाइफ देयर, बट सच के उसमें आपने सच की तलाश में सब कुछ हटा हट के आपने आगे, अभी अभी सर आप क्या अपने आप को पाते हो, मतलब वेयर एग्जैक्टली आर यू राइट नाउ जिंदगी में, आप अपने आप को क्या, मतलब एग्नोस्टिक, आपको ऑफिशियली तो अब एक्स मुस्लिम ही बोलना पड़ेगा, फॉर्मली यू मे हैव बीन अ यू वेयर अ हिंदू वंस, बट फिर आपने जो है इस्लाम की तरफ आ गए, अब आप एक टेक्निकली आप एक एक्स मुस्लिम हो गए, तो आप प्रैक्टिस क्या करते हैं सर, जैसे आपके घर वालों से कैसा है, आपके घर वालों के साथ, और लाइक हाउ आर यू एडजस्टिंग इन योर लाइफ। देखिए घर वाले तो मतलब ये हैं कि मैं ही एक उनको फाइनेंशियल हेल्पर हूँ, तो जब तो फिर आपको पता ही है उनको इंडिया में कैसे होता है कि अगर आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, और मुझसे पहले कोई अर्निंग पर्सन भी नहीं है मेरे घर में, तो मैंने उनको एक दो सिटी में आके इंडिया के उनको घर बना के दिया, उनके लिए सारे सारे सब उनको मतलब पैसे दिए, उनको चाहे जो भी उनको गाड़ियाँ वगैरह। आपके पेरेंट्स हैं क्या, भाई बहन आपके? भाई बहन नहीं है, मेरे भाई हैं। ओके ओके। और फिर उनको पैसिव इनकम भी होगी, ये भी मैंने उनको अरेंज किया। पैसिव इनकम मतलब समझ रहे होंगे किसी रेंटल प्रॉपर्टी होती है, जी 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 जी, तो ये सब मैंने उनका पूरा अरेंज किया, तो मुझसे जाते मतलब उतना सवाल हुआ नहीं, आप ये समझ रहे होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड सर। बिल्कुल, जब आप घर के घर वालों से मिले हैं सर, आप घर वालों से मिल चुके हैं, अपने देश वापस आ चुके हैं, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट न्यूज एक्चुअली। आई मीन आपने एक जेल छोड़ के निकला है, पर आई कैन नॉट से मच अबाउट योर लाइफ, बट इट्स लाइक मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इतना लॉस भी हुआ, लेकिन मैं एट लास्ट मैं हैप्पी हूं कि मैं एक मैन के फॉर्मेट के विजन को, जो कि मैं कायनात के बनाने वाले का मान रहा था, ये बिल्कुल मैं इसमें एकदम मैं क्लियर हो चुका हूं कि ये मैन मेड है, ये मैं बिल्कुल क्लियर हूं। Exactly, it's a man-made ideology. You're absolutely right. देखिए हुआ ऐसा कि आपने मान के जब आपने मानने की जब चश्मे को हटाया और जानने की कोशिश किया, तो like things were crystal clear. हर चीज आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। सर इसमें यह है कि हो सकता है कोई अल्लाह हो, मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा कोई क्रिएटर मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं एकदम ये पक्का जानता हूँ कि इस्लाम और कुरान मैन-मेड है, ये मुझे पता है, इसमें कंप्लीट श्योर हो चुका हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं अभी इस पे श्योर नहीं हूँ कि कोई अल्लाह है कि नहीं, उसने क्रिएटर उसने बनाया है कि नहीं, हालांकि उसमें भी कई सारे सवाल है मेरे, लेकिन उन्होंने भी जो सल्फी लोगों ने भी मुझसे बहुत सारे सवाल उसमें मुझको बताए अपने कि मेरा क्या कंसर्न है, तो वो सब मैं आपसे आगे कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मैं बिल्कुल डैम श्योर हो चुका हूँ, मैं इसको 1000 तरीके से प्रूव कर सकता हूँ कि ये इंसानों का काम है पूरा। Absolutely, सर आप हमसे जुड़ते रहिए सर, रेगुलरली आपको बुलाते रहेंगे, आई मीन वी कैन हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, ग्रेट डिस्कशन, एंड यू रियली हैड अ रोलर कोस्टर राइड, योर लाइफ वाज अ रोलर कोस्टर समथिंग। अगर अगर आपको कितना भी बड़ा आपको तकमा दे दिया जाए, लेकिन झूठ के बिहार पे दिया जाए, तो आप अगर आप सचमुच आपके अंदर इंसानियत है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सर वो तो है सर, आई एम सो सॉरी आई डिडंट गेट द लास्ट पॉइंट एक्चुअली।
जैसे मतलब आपको एक झूठ झूठ का ताज अगर अगर आपको 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 पहनाया गया है, भले ही वो डायमंड का हो, लेकिन अगर आप अगर आपके दिल में अगर ये है ना कि यार ये कायनात के बनाने वाले का ताज नहीं है, तो वो आपको चुभेगा फिर आपके सर पे। तो ये अक्सर हमारे सचवाला जी कहते हैं कि इस्लाम एक इतनी खूबसूरत एक इमारत है जो दिखने में इतनी खूबसूरत लगती है, पर ये जिस मतलब इसके जड़ें इतने कमजोर है, ये अंदर से बिल्कुल खोखली है और इसके जड़ें जिस दिन बिल्कुल सर ये कमजोर है। पता है आपको, जिस दिन ये निकला ना एकदम बिल्कुल ही धड़ाम हो जाएगा, जैसे बाइबल धड़ाम हो गया ना। देखिए अब क्या है, क्रिश्चियनिटी जितना ये लोग रेडिकल है, इससे 1000 टाइम्स रेडिकल क्रिश्चियन थे एक समय, बिल्कुल सर, यू आर राइट, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। वो क्रिश्चियन लेकिन इतने एकदम रेडिकल, धड़ाम हो गया बिल्कुल। अब देखिए बिल्कुल धड़ाम, अब वो उनका मजहब तो है क्रिश्चियनिटी है एग्जैक्टली, लेकिन वो इरिलीवेंट है। इरेलीवेंट है, वही तो है ना, वो इरेलीवेंट ही अगर करना है कोई, सर। हाँ, इधर मुझको मुझको इस्लाम को खत्म नहीं करना, मुझे देखिए मुझे इस्लाम की सच्चाई बस बता कर कि ये कि इसके जैसे जैसे हिंदू लोग हैं, जैसे बुद्धिस्ट लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, ऐसे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एग्जैक्टली लोग इतना सीरियस हो गए हैं इसको लेकर के कि मारो काटो गला काट दो ये कर दो वो कर दो, बिल्कुल ये कायनात के बनाने वाले का एक एक वर्ड है, ये सब चीजें अब ये लोग अब लोग रुक नहीं पाएंगे, ये लोग बचा नहीं पाएंगे, जड़ें बिल्कुल खोखली हैं इनकी। क्योंकि कायनात के बनाने वाला समझ रहे हैं आप, जो हम लोग की गैलेक्सी है उसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है, आप सोचिए पहले आप। एग्जैक्टली, यस दैट्स ट्रू, दैट्स और एब्सोल्युटली हमारी राइट। जो सबसे पास की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, वो हम लोगों से 25 लाख लाइट ईयर दूर है, आप सोचिए कि आप मतलब क्या बात कर सर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं आप? खत्म हो गए होंगे कई स्टार्स तो, अभी तक तो हम जो देख रहे हैं वो स्टार्स तो खत्म भी हो गए होंगे। आप सोचें कि आप बात आप दावा क्या कर रहे हैं आप उसके बनाने वाले का बुक, आप सोचिए जरा पहले। एग्जैक्टली सर, आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर, आप ये बात जरा दावा बिल्कुल दिख सही। रहे हैं आप किस लेवल का दावा है, दावा दिखिए पहले किस लेवल का है भी, मतलब हमारे मिल्की वे में हमारी अर्थ दिखती भी नहीं है बिल्कुल, हमारे अपने मिल्की वे में अर्थ नहीं दिखती है बिल्कुल, हमारे सोलर सिस्टम में नहीं। और वे आप ये कह रहे हो कि ये सारा क्रिएटर की बुक है, ये बिल्कुल मुझे तो बच्चों की बुक लगती है सर। तो इतना बड़ा दावा आपको मतलब आपको पता है कि मतलब ठीक है अभी आप ये दावा ओपनली मतलब साइंटिफिक वर्ड में जरा करके दिखाओ, कहीं भी जरा प्रूफ जैसा कह दो, मैं उस पर भी आऊंगा बाद में, जो उन्होंने मुझे कहा था सर की लोगों ने ये बात, मैं उससे भी आऊंगा अगर मैं कहीं तो मैं आगे बढ़ूं, तो आप बताएं तो आगे चलें हम लोग। या टोटली एग्री सर, आप जैसा बताएं कि तो हम उनके सेकंड क्वेश्चन पे चले, फिर सेकंड थर्ड जो 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 मुझसे वो पूछते चले गए वो लोग, वो सर सब कोई बिल्कुल रिकंसिलिएशन करेंगे क्या आप, मतलब कि हाउ डू यू वांट टू, आई मीन लाइक आपका एक पास्ट रहा है अभी तो सऊदी अरब में, आपके वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आई नो इट्स अ लिटिल पर्सनल क्वेश्चन, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज दैट अभी कुछ भी हो सर, बच्चे हैं, बीवी बच्चे ही है, तो अभी कुछ आपका प्लान है क्या कुछ करने, मतलब अभी तो फिल वक्त अगर वो ये मुसलमान है तो बहुत मुश्किल है, तो अभी मतलब आपके साथ कुछ टच में है क्या वो नहीं, बिल्कुल नहीं है, साढ़े ऑटोमेटिक? तीन साल से कुछ नहीं पता मुझे उनके बारे में, ओके, मीन दैट्स थ्री थ्री एंड हाफ इयर्स हो गए, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में, वो कहाँ है, जिंदा है भी कि नहीं, मतलब बस जो आखिरी मेरे पास मैसेज आया था वो ये था कि मेरी सेकंड वाइफ की क्या बोलते हैं फैसलाबाद में शादी करा दी गई और फर्स्ट वाइफ की मौत हो गई बीमार थी वो, ओके 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 ओके, ये मुझे बाकी वो बिल्कुल हेल्दी थी, बिल्कुल कुछ नहीं था, बस वो मेरे साथ आना वो मेरे साथ आने के लिए वो क्या होते रेडी हो गई थी। इट्स सैड एक्चुअली, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर, लाइक आई कैन क्या अंडरस्टैंड इट्स। उसमें मैं कुछ अब अभी तो आपने मतलब बीच में क्या कैसे ऐसे सिचुएशन पहुंची उसकी तो हम लोग चर्चा ही नहीं किए, क्योंकि वो जो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपने फिर वो आप स्ट्रीम बदल दिए, तो फिर मैं कहीं और चला गया, लेकिन वहीं से शुरुआत हुआ वो जो सेकंड क्वेश्चन जब पूछा आपसे, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ऐसे करते जी करते जी जी फिर बिगड़ती चली गई। हम्म, वो लोग जो मुझे बोलते थे वही मैं बोलता था, तो उन लोगों ने मतलब अगर आप कहें तो फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊँ, तो फिर मैं अभी जैसा कहिए। सर अभी तो खैर आई मीन इट्स ऑलमोस्ट एक लाइक घंटे 1 आवर, हाँ 1 आवर एंड एक सिक्स आवर मिनट्स और आपका बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है,
एंड वी विल सर्टेनली विल कैच अप नेक्स्ट टाइम, आई मीन विल डेफिनेटली हैव मोर स्ट्रीम्स विद यू। आपके साथ आप बहुत ही दिलचस्प आदमी है, आप बड़े दिलचस्प आदमी है आपके साथ। सेकंड क्वेश्चन से ही चलूंगा वहां पे, जो भी जी कहां से सिचुएशन मेन बिगड़नी शुरू हुई मैं आपको बताऊंगा। जी 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 वो डेफिनेटली विल विल स्पीक ऑन दैट। अभी तो हम लोग आए ही ना, अभी तो आपने ये पूछा कि हम लोग कैसे रिकंसाइल करेंगे, वो तो अभी हम लोग जो सिचुएशन बीत के हुआ आपने पूछी नहीं थी कि बात कहां से कैसे खराब हुई, कहां क्या क्या होने लगा। हां हां मैं इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि बिकॉज़ देयर विल लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज दैट विल कम अप इन बिटवीन, सो मैं ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में इतना भी नहीं जाना चाह रहा था। जस्ट दैट यू नो कि वो पर्सनल तो तब तक था ना, पर्सनल एक दो बार से था, उसके बाद वो पर्सनल नहीं हो गया, बहुत बात काफी, तभी तो मैं सब कुछ छोड़ के आना पड़ा ना मुझे। जी 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 अगर पर्सनल लेवल में होता तो हम उसको सॉल्व कर लेते ना वहां पे। क्योंकि जैसे पेपर पे मेरा लिखा था अल हिंदूसिया, जैसे सारे जैसे मेरे मेरे वर्क परमिट पे, मेरे अकामा पे, मेरे जॉब ऑफर पे, मेरे पासपोर्ट पे, मेरे सब चीज पे ना मेरा जो इंडियन नाम था वो था, और हर जगह पे इसलिए ये लोग से वहाँ पे पुलिस को बोलते हैं मरूर और शोरता, मतलब अरबी बोलते हैं, तो ये लोग मरूर की हेल्प नहीं ले पाए। ओके ओके क्योंकि आपका अभी ये इसको ये लोग पूरा अपने लेवल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे सारा सब कुछ, क्योंकि मरूर के पास अगर जाते तो मैं बोल सकता था ना कि नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं ना मेरा। राइट 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 उनको तो मैंने अपने दिल से शहादा पढ़ाया, मैंने किसी खाजी से निकाह किया, क्या उससे उनको क्या मतलब है, वो सऊदी गवर्नमेंट को क्या लेना इससे। एक पाकिस्तानी एक इंडियन, दो इंडियन वहाँ शादी कर रहे तो सऊदी गवर्नमेंट को क्या लेना देना इसमें। सऊदी गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है, और आपने जो है आप जो हिंदू तो मतलब इफ यू इवन इफ यू हैव कन्वर्टेड तो बीच में अरबी ना इन्वॉल्व हो तब तक उनको कोई लेना देना नहीं है, मैं बता और इन्होंने कोई अरबी को इन्वॉल्व किया नहीं और आप नहीं। बच के निकल गए और आप बच के निकल गए। क्योंकि पेपर पे मैं पेपर पे नहीं था मैं, ये तो ये लोग बिल्कुल ये लोग सहारा लिए होते सब हर चीज का, पेपर पे था ही नहीं तो क्या बोलते वहां जाकर के, वहां जाकर बोलते क्या। मान लीजिए अगर मैं ये कह देता कि इन्होंने फोर्स करके किया तो गाज गिर जाती उल्टा उनके ऊपर। अगर मैं ये क्लेम कर देता कि इन्होंने जबरदस्ती मुझे सब किया ये किया वो किया तो उल्टा उनके ऊपर गाज गिर जाती। राइट 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 सारा अपना सिस्टम जो है ना अपने पाकिस्तानी ग्रुप के साथ मिल करके ही सॉल्व करना चाह रहे थे वो, लेकिन हुआ नहीं उन लोगों से लास्ट में, वो निपटा नहीं मामला हुआ नहीं, तो आप बच के मतलब दे कुड हैव इवन आपको नुकसान भी पहुंचा सकते थे ये। इवन नहीं वहां पे तो तुरंत इनको भी सजा हो जाती ना डेफिनेटली, ये भी पूरा का पूरा पकड़ के चले जाते लोग, बचते नहीं फिर ये लोग भी। अच्छा पाकिस्तान में तब तो हमारी गर्दन उड़ रही थी मेरी। हाँ वो तो है, वो तो पक्का, वो तो दैट्स कोई दो राय नहीं हुआ था तो इनकी भी उड़ती फिर। इंडिया में भी आप सेफ नहीं थे सर, अगर इंडिया में भी ये होता तो इंडिया में भी आप सेफ नहीं थे, वो तो सऊदी के लोग थे। बोल रहा हूं कि बिल्कुल मैं सेफ नहीं, वो सिर्फ सऊदी अरब की, क्योंकि अगर वहां देखिए इंडिया में आप मार करके बच जाएंगे, आप जेल चले जाएंगे, फिर अपनी जमानत करा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, वहां तो सब होगा नहीं, वहां मुझे मारे तो आपको भी मरना है, जो मारेगा उसको मरना ही मरना है। तो ये वहां पे लॉ आप ब्रेक नहीं कर सकते, लॉ ब्रेक नहीं कर पाएंगे आप वहां पे, तो इसलिए आप बाल भाई वो बच के निकल गए समझे। बिल्कुल बिल्कुल सर ये था मेन, और अगर मैं पेपर पे कर लिया होता तब तो मैं ना बच के निकल पाता, देन थिंग्स वुड हैव बीन रियली टफ फॉर यू। तो जब तो आपकी जिंदगी का बहुत मुश्किल था, फिर तो मैं खत्म हो गया था, फिर तो मैं कुछ नहीं बिकॉज़ विद देम द सऊदी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था ना, फिर तो सऊदी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, तो अभी वहां पे दो खारजी लोग ये काम कर रहे थे, तो दो खारजी करे तो सऊदी से क्या, जब तक आप खून खराबा पे ना हो, जब तक मारपीट पे ना हो, तब तक थोड़ी सऊदी गवर्नमेंट को बोलेगी दीदी। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना, दो खारजी आपस में क्या कर रहे हैं, जब तक मारपीट ना आ जाए तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। नॉन अरब क्या करते हैं, वो नॉन अरब का इशू है, वो अरब लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, कौन वहां पे आकर के मुस्लिम बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, कौन किससे निकाह कर रहा है, तो दोनों खारजी है तो कोई इनको लेना देना नहीं है।
सही बोला आपने। तो और फिर आपने कोई ऑफिशियली किया नहीं, तो उनको क्या पता कि भाई आप मुझे मुसलमान हाँ बनाया नहीं बना। बिल्कुल, क्योंकि वो तो मेरा डॉक्यूमेंट देखते ना सीधे। बट इफ यू अगर गवर्नमेंट के थ्रू मिनिस्ट्री के थ्रू करते तो आपको तो वहाँ हाँ, सऊदी में ही अगर फंस मैं गए थे आप। एम्बेसी में इन्फॉर्म कर दिया होता, अगर मैं एफिडेविट बनवा लिया होता, अगर मैं सब कुछ कर लिया होता, सर्टिफिकेट पे चेंज कर लिया होता, अकामा पे चेंज करवा लिया होता, तब तो बात कुछ और होती। ये सब चीजें थी नहीं, इसलिए वो लोग कोई लोग इसका उसका सहारा ही नहीं ले नहीं पाए ये लोग। क्योंकि आप कुछ भी मुझसे कहो, लेकिन वो तो हमारा वो देखेंगे ना, एविडेंस देखेंगे ना मेरा। बिल्कुल सर, आई कैन आई और कंप्लीटली एग्री विद यू आपकी, सर। अगर मान लीजिए आपने अपनी बेटी का निकाह किया है, मुझसे शादी की है, क्या किया है, उसे सऊदी गवर्नमेंट को क्या लेना देना है कि आपने उसको मुस्लिम बनाया कि नहीं बनाया, किया कि नहीं किया, उसे क्या लेना देना है उनको? ये आप जानो, आपका काम जाने, आपने बनाया कि नहीं बनाया आप जानो, उससे क्या उनको लेना देना है? एग्जैक्टली उसे सर, उनको कोई उसे उनको कोई लेना देना नहीं है उसके उनको। डेफिनेटली। चलिए सर, फिर आपकी इस ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर एंड 12 मिनट्स स्ट्रीम हैज रियली रन फॉर, एंड आपका बिल्कुल मतलब देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल, मतलब सारे के सारे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी। इट वाज एवरीथिंग वाज क्वाइट क्वाइट इंट्रीगिंग। तो हम दर्शकों को भी बोल देते हैं कि थैंक यू वेरी मच, एंड होप ओके, दैट धन्यवाद दिस धन्यवाद। बिकम्स अ लाइव स्ट्रीम, इट बिकम्स अ गुड लाइव स्ट्रीम।